हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आहाना। मैं आहाना फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में मैं आई हूँ घाटकोपर के आरसीटी मॉल में, और यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आइकिया स्टोर आना था। ये अभी खुला है। ये आर स्टोर के 3rd और 4th फ्लोर के नॉर्थ विंग साइड में है, तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। और ये मेरे घर के बहुत ही पास था, तो मैं यहाँ निकल गई हूँ आप सबको यहाँ के बारे में दिखाने के लिए। और ये रहा आइकिया स्टोर। अब मैं जा रही हूँ अंदर इसके। चलिए जा करके देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। यहाँ देखिए काफ़ी नेचुरल से फ्लावर्स रखे हुए हैं। बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर थे। यहाँ पे फ्लास्क भी बहुत खूबसूरत था, आप देख सकते हैं। फ्लावर पॉट बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ डेकोरेशन के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स देख रहे हैं आप, रेड वाइट सब। और ये देखिए ग्रीनरी एरिया, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लांट्स थे। ये सब माना कि नेचुरल नहीं है, ओरिजिनल ही है, ये आर्टिफिशियल है, बट बहुत खूबसूरत है। और प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 899 का एक फ्लावर पॉट था, सुंदर था। और ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया। सेंटर टेबल वगैरह पे रखने के लिए जो ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन फ्लास्क रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और ये कुछ और आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। और ये है लाइट्स एरिया, ये बहुत ही खूबसूरत था। इसके जो एक एक लैम्प्स थे ना, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने ज़्यादा यूनिक थे। और स्पेशली ये पेपर लैम्प्स थे ज़्यादातर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, वर्थ इट था डेकोरेशन के हिसाब से। इसके जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक यूनिक थी। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट, कहीं भी लगा दीजिए वो रूम बहुत खूबसूरत लगने लगेगा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद है। और यहाँ पे लाइट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है, ये 1800 समथिंग था, ये 3499 का जो ये लैम्प है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। आप अपने लिविंग रूम में कहीं भी लगा सकते हैं, सेंटर में स्पेशली लगाइए और बहुत सुंदर लगने लगेगा। या लाइट्स लेने के इरादे से यहाँ आ रहे हो तो यहाँ आना बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है। ये देखो ब्लैक वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो आप यहाँ से कोई ना कोई आइटम ज़रूर लेकर के जाओगे। आइकिया स्टोर की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे डमी रूम्स, डमी किचन्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप इंस्पायर होकर के आइडिया ले सकते हैं और अपना घर सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक लिविंग रूम है और ये बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेटेड है। और यहाँ के मिलने वाले मीन्स यहाँ पर जो डेकोरेटेड चीज़ें हैं, आराम से इस स्टोर पर अवेलेबल है, क्योंकि यहीं के हैं और आप इससे सीख करके अपना घर सुंदर बना सकते हैं। मुझे ये रूम काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे रूम्स ऐसे डमी बना रखे गए थे जिससे आप सीख सकते हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और यहाँ के किचन्स भी बहुत सुंदर डेकोरेटेड हैं। आगे बने रहिएगा और ब्लॉग देखते रहिए। और फिर ये रहा एक और रूम, ये एक छोटा सा एरिया को इतने अच्छे से बनाया गया है ना, यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बना दिया गया, यहाँ लिविंग रूम भी है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और इसके जो लाइट्स हैं ना, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं एक नया घर लूँगी तो डेफिनेटली आइकिया से ही इंस्पायर रहूँगी। यहाँ से निकल के मैं एक और डमी रूम में जा रही हूँ। ये देखिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें सामान तो बहुत अच्छे से मिल जाता है, सुंदर सुंदर हम आइटम्स खरीद लेते हैं, लेकिन हमें आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स नहीं किया रहता है, जो किया रहता है उनके लिए अच्छा है, बट हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं अच्छा है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दे रखे। ये देखिए, इतने छोटे से प्लेस में इन लोगों ने बेडरूम भी बना दिया है, लिविंग रूम भी बनाया है, किचन एरिया भी है। और अभी आगे चलते मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर छोटा सा बाथरूम भी बनाया गया है। ये देखिए, इतना क्यूट सा, बहुत प्यारा सा वॉशरूम है। और यहाँ मिरर में मैं,
आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने इतना छोटा एरिया को इतना प्यारा सा लुक दिया है। अगर हम ऐसा बना लें तो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे सारे फैमिली मेम्बर हमसे आ करके पूछेंगे कैसे बनाया, तो डेफिनेटली इंस्पायर हैं हम। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा रूम है, ये छोटा सा कॉफी एरिया, यहाँ पे लैंप्स ही लैंप्स हैं। ये वाला लैंप मुझे बहुत पसंद आया था सच बोलूँ तो। यहाँ एक छोटा सा बेड रखा गया, इसका थीम सनफ्लावर थीम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आई सूदिंग है। इस लैम्प का प्राइस 1690 है। ये एक और डमी छोटा सा रूम जो बच्चों के लिए है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, ये लाइट्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। ये है दूसरा रूम जिसका टोटल प्राइस मीन्स इसके अंदर जो जो चीज़ें लगाई गई हैं उन सबको मिला करके 50,000 रुपीज़ है। और 50,000 में इतना खूबसूरत डेकोरेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रहा एक और मिरर, एक और मिरर में मैं यहाँ से हम एक और रूम में चलते हैं। ये देखिए अमेजिंग, इस रूम का कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक व्हाइट ग्रे है। एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा रूम है लेकिन यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि एक बंक बेड है, स्टडी टेबल है। और ये रहा एक और रूम, येलो और बहुत कलरफुल रूम है ये। ये देखिए इन्होंने वार्डरोब वाइट कलर यूज़ किया है, वाइट बेड है जिसपे एक कलरफुल बेडशीट लगा हुआ है, ज़्यादातर येलो चीज़ें हैं, येलो एंड वाइट चीज़ें हैं। और उसी के अंदर एक छोटा सा किचन बना हुआ है। इस रूम से निकलते इसके साथ ही मुझे वो सारे बेड्स दिखे जो कि अभी अभी मुझे वो रूम्स में दिख रहे थे, मीन्स वहाँ रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है बेड्स के, यहाँ पे आप आओ और आपको कोई ना कोई बेड तो पसंद आ ही जाएगा। इसमें से कुछ के प्राइस 19,990 रुपीज़ हैं, किसी के कुछ हैं, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि आपको देखने में ये लग रहा है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। इस वाले बेड का प्राइस था 34,990 रुपीज़ जो कि वर्थ इट था। और ये सोफ़ा कम बेड है, ये जो नेट वाला आइडिया है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बचपन से पसंद है। यहाँ पे जितने सारे बेडशीट बिछे हुए हैं ना वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, आप आराम से इसे ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस थे बहुत सारे। गाइज हम लोग जब छोटे थे हम में से ज़्यादातर लोग का ये ड्रीम होगा कि हमें बंक बेड मिले, और यहाँ पे वो बेड्स मिल रहे हैं जिसका प्राइस 11,990 रुपीज़ है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता था हमेशा से और अभी भी लग ही रहा है। ये एक्सटेंडेबल बेड है जिसे आप साइज़ के हिसाब से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे जो कि मुझे खुद ही अच्छे लग रहे थे। अब आ गई हूँ मैं सोफा के एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे सोफा रखे हुए थे। यहाँ से आप आराम से ऑर्डर दे सकते हैं कोई भी, जिसको जैसा पसंद हो, चाहे वो अगर आपको सोफ़ा कम बेड चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, या आपको सिर्फ सोफ़ा चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका प्राइस है 23,990 रुपीज़। क्वालिटी बहुत अच्छा था, मैं इस पर बैठ बैठ के भी देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कम्फर्टेबल था और सॉफ्ट भी था,
और यहाँ पे कुशंस थे, टेबल्स थे, सेंटर टेबल था, ये वाला टेबल बहुत खूबसूरत था। अभी मैंने दिखाया था ना वो सारे डेकोरेशन के आइटम यहाँ पे उस टेबल के अंदर डाल रखा था उन लोगों ने। ये है सेंटर टेबल सारे के सारे, जिसका प्राइस है 5,990। और ये लाइट, ये देखिए, ये 6,690 रुपीज़ का ये आर्म चेयर है, बहुत कंफर्टेबल था ये। अगर आपको, आपके घर में कोई बड़ा रहता है या फिर कोई बच्चा रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सिंगल सिंगल सोफ़ा है, ये है वो टेबल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लैक में है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक अट्रैक्ट करता है। जो टेबल रखा है ना वो 3,690 रुपीज़ का है, और इन लोगों ने टेबल और चेयर मीन्स इन लोगों ने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है। ये सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे। इन लोगों का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत सुंदर है। ये छोटे छोटे टेबल चेयर है जो कि अगर आप अपने घर के एक छोटे कॉर्नर को सजाना चाहते हैं, कॉफ़ी एरिया बनाना चाहते हैं, तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और कॉफ़ी टेबल्स, यहाँ पे एक छोटे से एरिया को कंप्लीट सॉल्यूशन जस्ट रुपीज़ 10,000 किया गया है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर आपके लिए ही है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे स्टडी टेबल के लिए, कॉफ़ी टेबल के लिए, जिसे मैं अभी इस वीडियो में दिखा ही नहीं सकती, इतने सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। ये देखिए एक और टेबल का कलेक्शन 31,990 रुपीज़ का है, और ये सब लाइट्स वगैरह सब काउंट करके, ठीक है। ये टेबल मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है टीवी स्टैंड जो कि 44,750 रुपीज़ में है। इनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वहाँ से निकल के अब हम सीधे आ गए हैं वार्डरोब के कलेक्शन के साइड। यहाँ पे आपको बहुत सारे वार्डरोब्स दिख रहे हैं, जिसे जैसा चाहिए उसे वैसा यहाँ मिल जाएगा। इसका प्राइस 45,000 समथिंग है, हाँ 45,200 रुपीज़ है। और यहाँ पे आपको वार्डरोब के अंदर यूज़ करने वाले सारे आइटम मिल जाएंगे। ज़्यादातर वार्डरोब का कलर यहाँ पे वाइट है, क्योंकि ये सारे फॉरेन से आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वाइट ही शायद पसंद करते होंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसे आप बहुत ही ज़्यादा एरिया है इसके अंदर, बहुत सारे स्पेस हैं स्टोरेज के लिए इस वार्डरोब के अंदर। ये वाला वार्डरोब मेरा फेवरेट था, जिसका प्राइस 28,500 रुपीज़ है। मैं आपको ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ प्राइस दिखा सकूँ। ये जो फ्रेम्स हैं ना यहाँ जो मिल रहे थे ना, काफ़ी यूनिक थे। और ये बहुत सारे वार्डरोब्स, अब हम यहाँ से निकल के सीधे जा रहे हैं डमी किचन में। ये देखिए कितना ग्रैंड है, कितना लैविश है। ये रहा एक और किचन मॉडल, ये ना ये सेक्शन मुझे बहुत सुंदर लगा था।
वहाँ से निकल के मैं आ गई हूँ वो सारे किचन के आइटम के एरिया में जहाँ पे आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सारे मग आपको 99 रुपीज़ में मिल रहे थे और ये पेस्टल कलर के थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि मुझे पर्सनली पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे जो कप सेट थे ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक दे रहे थे। मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। इन कप्स की बात कर रही थी मैं जिनका काफ़ी ज़्यादा रिच लुक था। वैसे ये कलर में नहीं थे, दूसरे कलर में थे। इसके प्राइस 399 सारे थे। हाँ ये है, ये जो पेस्टल कलर का है ना काफ़ी ज़्यादा रिच लुक दे रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे डिशेस, बाउल सब कुछ हैं। ये रहा वो डिशेस, मैं बताती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगा। ये वाली बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, 5000-6000 के अंडर में आ जा रही थी, जो कि वर्थ है। अब हम आ गए हैं कर्टेन एरिया में। यहाँ पे कर्टेन आपको 799 रुपीज़ से मिलेंगे, जो कि उतनी कॉस्टली नहीं है। आप जानते हैं मार्केट में भी आपको इतने या इससे ज़्यादा प्राइस में मिलेंगे। और यहाँ पे कलर ना बहुत अलग सा है, मीन्स जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है। ये रग एरिया है, कारपेट एरिया है, मीन्स यहाँ पे आपको रग्स मिल जाएंगे, कारपेट मिल जाएंगे, जो कि 1000 से 2000 के बीच में मिलेंगे। ये वाली डोरमैट आपको 199 रुपीज़ में मिलेगी। और यहाँ पे कुशन मिल रहे थे जो कि अलग अलग पैटर्न के थे, अलग अलग शेप के थे, और इसके जो फैब्रिक थी वो भी अलग अलग थी और उतनी कॉस्टली नहीं थी। 250-300 रुपीज़ इतने ही प्राइस थे। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट कुशन कलर हैं यहाँ पे। फिर मैं वहाँ से निकल के यहाँ आ गई हूँ जहाँ पे मिरर मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग डिज़ाइन हैं और अच्छे हैं। देख सकते हैं ये लोएस्ट प्राइस यहाँ का 349 रुपीज़ है। यहाँ होम डेकोर के लिए वॉल क्लॉक मिल रहा था, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे थे।
और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डमी वॉशरूम बना रखा गया था कि आप यहाँ से देख करके जो सारी चीज़ें हैं ले सकते हो। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करें। अब आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।